बिहार सरकार केस की प्रोन्नति देना होगा। राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार केस की प्रोन्नति देना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं गया के गांधी मैदान में आए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत से टीचर लोग हैं, तो क्या इनको मांग है, क्या इन लोगों का समस्या है, तो मैं समस्या के इन लोग से ही जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय भेड़िया कला में पदस्थापित हूँ। राघवेंद्र शर्मा केस में सारे जिला लगभग बहुत सारे जिला में औबंधिक सूची फाइनल सूची निकलने के उपरांत फिक्सेशन भी हो गया है, जबकि गया जिला में अभी तक औबंधिक सूची भी नहीं निकली है। बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सारे जिला में फिक्सेशन भी हो चुका है जी। तो क्या मतलब इसमें लापरवाही किसका है? इसमें कार्यालय की लापरवाही है, हम लोग से सूची ले लिया गया है लेकिन अभी तक उसकी औबंधिक सूची तक का प्रकाशन नहीं किया गया। तो क्या चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं जितना जल्द हम लोग के औबंधिक सूची का प्रकाशन हो, फाइनल सूची निकले, हम लोग का फिक्सेशन हो जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं अध्यक्ष हूँ बिहार प्रदेश टीचर एसोसिएशन का। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार के केस में। यह आदेश है कि सरकार प्रोन्नति में जो विलम्ब करती है जी, वो सरकार का दोष है। अतः इनको नियत समय पे जब भी इनका 8 साल या 4 साल के बाद मिलना है तो उनको मिलना चाहिए। और यह आदेश के अनुपालन में डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा भी पत्र निर्गत कर चुके हैं और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय देहा को पत्र मिल भी चुका है। हम लोग इसके पहले भी मेमोरेंडम के माध्यम से उनको दे चुके हैं, परंतु ये लोग बिल्कुल कार्य शिथिलता है, कार्य सिर्फ ऊपर से दिखलाते हैं के पाठक सर के बहाना बना कर के हम लोग बहुत व्यस्त हैं। लेकिन मेरा कहना है कि बाकी जिला में कैसे निकल गया, क्या वहाँ कार्य नहीं हो रहे हैं, खाली यहीं कार्य हो रहे हैं? इसलिए पूरी तरह से जिला शिक्षा पदाधिकारी गया एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गया एवं उनके संबंध जो कर्मचारी लिपिक है उनकी अक्रमणता की वजह से यह जो आदेश नहीं निकल रहा है, जिससे हम शिक्षकों में काफी आक्रोश है। साथ ही साथ MSCP का भी यह प्रकाशन जो हुआ है त्रुटिपूर्ण प्रकाशन, उसमें 4 प्रखंडों के एक भी शिक्षकों का नाम यहाँ नहीं दिया गया है, जो यह साबित करता है कि पीक एंड चूज है और पीक एंड चूज को भ्रष्टाचार की संज्ञा दिया जाता है। साथ ही साथ बार बार मिलने के बाद कहा जाता है कि काम हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय पुरानी कहावत है, विलम्ब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है। इसलिए हमारी मांग है यह विलम्ब हमारा जो दोनों प्रोन्नति और MSCP का लिस्ट का प्रकाशन किया जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के और भी उग्र आंदोलन का कार्यक्रम चलाएंगे। क्या ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ गया जिला में और कोई जिला में प्रॉब्लम हमारे जिला में है? कुछ है, 1-2 जिलों में और है, लेकिन अधिकांश जिलों में हो चुका, हाल हाल हो चुका जी, लेकिन हमारे जिला में कुछ ज्यादा है कार्य शिथिलता जी। देखिए और यहाँ पे है, क्या नाम हुआ सर? कुलदीप कुमार। आप लोग की आप लोग क्या मकसद लेके एक एक जुट में बैठे हुए हैं? काज जाथा शीघ्र हो जी। क्या मतलब कौन सा बाधित हुआ है काम में आप लोग का? अभी तक तो औबंधिक सूची नहीं निकला है जी, फाइनल सूची निकलेगा। किस चीज का? राघवेंद्र शर्मा केस में जी, जो हम लोग को प्रोन्नति मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं। तो क्या चाहते हैं? यथाशीघ्र निकला, यथाशीघ्र हो काम। क्या चाहते हैं सर? हम लोग जितनी जल्दी हो सके सर, बहुत सारे जिला जो हैं वो दे चुके हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जिला को भी ये मिले, हम शिक्षकों को भी ये लाभ मिले। डायरेक्टर साहब का चिट्ठी है, हाई कोर्ट का चिट्ठी है, इस आलोक में हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का भी काम जल्द से जल्द हो। बहुत सारे इस आलोक में जो है जिला कर चुके हैं जी, काम की अधिकता है, तो अब तो काम जो है कि ऐसा है नहीं, सारे जिलों में काम हो रहा है, सारे जिलों में बहुत सारे जिले जो है निकाल दिए हैं। हम लोग भी चाहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कि हम लोगों का भी औबंधिक सूची निकाल दें, हम लोगों का भी जल्द से जल्द काम हो जी। आप इस ग्रुप के माध्यम से क्या करना चाहेंगे सर? ग्रुप के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी पूरा अच्छी तरह स्पीकिंग कर चुके हैं, उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए जी। तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज, जय हिंद।